राजस्थान के अंता में बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक बलजीत यादव 14 सूत्रीय मांगों को लेकर काले कपड़े पहनकर अंता की सड़कों पर दौड़ लगाई। इस दौरान विधायक यादव का जोरदार स्वागत हुआ। कस्बे के सीएडी तिराहे पर नुक्कड़ सभा के दौरान निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने सरकार द्वारा युवाओं व किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। इस दौरान विधायक बलजीत यादव ने कहा कि 1 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 14 सूत्रीय मांगों को मानने का वादा किया था, उसे पूरा नहीं किया गया और मेरी प्रमुख मांग है कि 5 लाख युवाओं के लिए भर्ती कर कैलेंडर जारी करें और पेपर लुटेरों को सजा दी जाए। साथ ही किसानों की फसल का सही दाम सही समय पर दिया जाए। आपको बता दें, निर्दलीय विधायक यादव 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश की हर विधानसभा मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ अनूठा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, 1 साल पहले मुझे मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया था कि आपकी मांगों को मानेंगे, एक कमेटी बनाई थी, लेकिन अभी विधानसभा के अंदर सरकार की तरफ से जवाब आया कि कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, इसलिए आपकी मांगों को नहीं मांग सकते। मेरी प्रमुख मांग है सरकार 5 लाख की भर्ती निकाले, भर्ती कैलेंडर जारी करे, 6 महीने में भर्ती को कंप्लीट करे। पेपर लुटेरे हैं, इनमें बड़ी मछलियाँ हैं, वो सलाखों के पीछे जाएँ और राजस्थान सरकार एक कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी सरकारी भर्तियाँ निकलेंगी 100% राजस्थान के बच्चों को लिया जाएगा और किसान की फसल है उस किसान की फसल का सही दाम और सही समय पर दिया जाए, उसको बिजली पानी खाद फ्री मिले। ये CHA के हैं, थर्ड ग्रेड टीचर हैं, इंटर डिस्कॉम वाले हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, पंचायत सहायक हैं, इन सभी की समस्याओं का समाधान करे सरकार। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।